लेकिन अगर आपको देखा हाल आपको आप तो खुद देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के चक्कर में देने के लिए तैयार, लेकिन दोनों देने के लिए असमर्थ। Welcome back guys, मैं न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में देखेंगे मेरे गांव में कुश्ती हो रहा है दुर्गा पूजा के मेला में। चलिए दिखाते हैं वहाँ पे। गाजीपुर जो है वो मनोज के, मनोज जी दिल्ली के है, उनसे हाथ मिला के इस अखाड़ा पर मौजूद है और एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। देखिए आगे परिणाम क्या होता है, वो तो कहना भी डरे नामुमकिन है, लेकिन हम लोग लगातार दोनों के पीछे का जो जोरी है वो कोई किसी से कम मालूम नहीं करता, चूंकि रामविलास जी जो है वो इससे पहले एक बार एक पहलवान को पटकनी दे चुके हैं, इसलिए इसका मनोबल काफी ऊंचा और ये मरीज दिल्ली के पहलवान से लगातार इस अखाड़ा पर पटकनी देने का सभी प्रयास करते हैं, लेकिन मनोज जी भी दिल्ली के है, दिल्ली के मजे है, पहलवान है भी किसी से कम नहीं और दोनों लगातार एक दूसरे को पटकनी देने का प्रयास लगातार का प्रयोग करते हुए, चूंकि कुश्ती में बल ही सिर्फ काम नहीं करता, कुश्ती का और पिच का चीज है, इसलिए दो एक दूसरे को दो पिच का प्रयोग करते हुए इसका आग्रह से आइए मनोज दिल्ली जो है वो गाजीपुर के रामविलास जी को पटखनी देने के बाद लगातार दोनों एक दूसरे पर बार बार प्रहार करते हैं जो एक दूसरे को चित करे और बुजुर्ग हो, लेकिन यह अभी तक दोनों का हिस्सा बराबर था, एक दूसरे को एक दूसरे से जंग जीते नहीं है, लेकिन देखिए लगातार कैसे बजरंग बली के तरह कथा को रोका करो कापेज का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असंभव या संभव नहीं हो पाया, यह कैच भी काम नहीं किया, वह भी लगातार सकती रचना रच रहे होगी अभी तक। देखिए मेरा विलास जी को मनोज दिल्ली पटखनी देने का प्रयास, दोनों एक दूसरे पर इस तरह से तिगे पर कपचित हो जाए ये कहना मुश्किल, यह कहना पर ही नामुमकिन है, लेकिन दोनों ही खेले हुए जगह दोनों ही लगातार नौ पेज का प्रयोग करते हुए फिर तरह एक दूसरे को से लड़ने के लिए तैयार, अभी तक परिणाम कुछ नहीं देख रहे, इस बार मनोज दिल्ली को गाजीपुर के पहलवान तक खाने दिए, लेकिन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया, कुछ नहीं दोनों का हिस्सा बराबर है, अभी तक हार और जीत सुनिश्चित एक दूसरे के बीच कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आगे दोनों का प्रहार एक दूसरे पर लगातार जारी और इसी बीच हम लोग देखते आए ये दोनों लगातार लड़ते लड़ते आपस में एक दूसरे पर लगातार शक्ति और पेच का प्रहार करते हैं, लेकिन अभी तक दोनों के बीच की दूरी कुछ संभव नहीं हो पाया, जबकि समय सीमा भी लगभग 10 मिनट समाप्त हो चुका है, लेकिन इस मैच के इस प्रतियोगिता के जो डायरेक्टर है उनका कहना है जो ये आठ बार की लड़ाई है, वो जब तक एक दूसरे को परास्त नहीं करेंगे तब तक इनके लिए 10 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है, 10 मिनट समय समाप्त हो चुका है और इसको एक्स्ट्रा 10 मिनट समय दिया गया है, आर पार की लड़ाई है, ये दोनों पहलवान दिल्ली वर्सेस गाजीपुर से, ये काला रंग का पेंट जो पहने हुए हैं ये दिल्ली के पहलवान मनोज जी है और ब्लू कलर का जो पेंट पहने हुए गाजीपुर से रंग और पेच का चीज है, इसमें
कहना मुश्किल होता क्या होता है देखिए मनोज जी को दिल्ली लेकिन अभी तक मिल मुझसे तय नहीं है अभी तक परिणाम क्लियर नहीं लगता है अभी भी नहीं अभी भी संभव नहीं हो पाया है मनोज जी दिल्ली को तटखनी दिए हुए हैं लेकिन अभी तक उस गाना भरी नामांकित है गाजीपुर से रामविलास जी मनोज दिल्ली को तटखनी दे चुके हैं लेकिन अभी तक परिणाम नहीं हो पा रहा है एक दूसरे के द्वारा अपने जंगल और जो के अलग अलग जगह से आए हुए हैं राजस्थान हरियाणा सबसे आए हुए दोनों प्रदेश का सदनवर का जो स्थिति है अभी अभी कहना बड़ी मुश्किल और इसके बाद हम लोग पुनः आमंत्रित करेंगे महिला जोड़ी को महिला जोड़ी में ज्योति गोरखपुर से है और साक्षी लखनऊ से इसके बाद हम लोग बुलावा करेंगे महिला जोड़ी को जो कि ज्योति गोरखपुर से है और साक्षी लखनऊ से आइए तब तक हम लोग फिर देखते हैं मनोज दिल्ली वर्सेस गाजीपुर रामविलास जी के बीच की जोड़ी दोनों आज का जो मुकाबला है दोनों की मुसफरों कांटे की टक्कर एक दूसरे से दोनों अपने आप को परेशान लेकिन हिम्मत दोनों का किसी से कम नहीं एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते हैं लेकिन अरे भूल मृतक तो कभी नहीं फटे तो फटे फटे गए चतुर से अबल रहे सर नीचे उतर के बचवा ना देखिए अब थोड़ा मैं फिर मनोज दिल्ली वर्सेस रामविलास गाजीपुर के बीच करीब मुकाबला का आपको देखा हाल बताने का प्रयास कर रहा हूं और देखते हैं अब परिणाम आगे क्या हो पाता है लेकिन अभी भी कोई किसी से कम नहीं हो गया चलिए दिल्ली से मनोज जी विजयी घोषित हुए रामविलास जी गाजीपुर पराजय हो गए आइए महिला जोड़ी इसके बाद महिला जोड़ी ज्योति गोरखपुर और साक्षी लखनऊ ज्योति गोरखपुर से है और साक्षी लखनऊ जिन दर्शकों को यह प्रतियोगिता देखने में अच्छा लगे और यदि कोई चाहे कि हम उसे इनाम अपने तरफ से दें तो मैं उनके नामों की घोषणा इस ध्वनि विस्तार अध्यक्ष से करने का प्रयास करूंगा आप इनाम देने के लिए स्वतंत्र है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं चाहे आप विजयी को दीजिए या पराजय वाले को दीजिए इससे कोई मतलब नहीं आप इनाम देने के लिए स्वतंत्र है और आपके नामों की घोषणा में इस ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से करने का प्रयास कर दूंगा आइए अब है आप कौन है ज्योति आप साक्षी है लखनऊ से ये लाल टी शर्ट मुझे पहने हुए है ये साक्षी पहलवान है लखनऊ से और काले रंग की टी शर्ट जो पहने हुए है ज्योति गोरखपुर से आइए इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आइए अब साक्षी ज्योति गोरखपुर और साक्षी लखनऊ दोनों आपस में एक दूसरे से प्राप्त आइए इस प्रतियोगिता को आपको देखा हाल हमारे सरकार से आप बहुत देर से बन रहा कुछ बोलिए साक्षी और ज्योति के बीच बड़ी मुकाबला ये ज्योति और साक्षी ज्योति गोरखपुर से है और साक्षी लखनऊ से आज देखते हैं लगभग कुछ नहीं अभी तक परिणाम कुछ नहीं दोनों देखा हाल आपको आप तो खुद देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं उन्हें मैं इस ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से बताना चाहूंगा हेलो जो दर्शक अभी अभी तुरंत आए हैं पवेलियन में उनके लिए बता दूं अभी जो यह अखाड़े की पांचवी जोड़ी महिला पहलवान ज्योति गोरखपुर जो काली टी शर्ट में और साक्षी लखनऊ लाल टी शर्ट में हुई और काली टी शर्ट की साक्षी लखनऊ विजय घोषित की गई और जो काफी रोमांचक मुकाबले की जोड़ी इस बार है सुनील चंदल यूपी और शमशेर बिहार ये दोनों जोड़ी काफी चुनौती से भरा है दोनों पहले
चुनौती देकर अखाड़े से लौटे थे और सुनील चंदन उनका धीरे धीरे अखाड़े की ओर उनका और शमशेर बिहार में भी तहमान अब अखाड़े की ओर आने ही वाले अखाड़े में उनका ही स्वागत है। दोनों पहलवान का मैं पहुंचे करा दो नीले रंग निधाइना श्यामला रंग सुनील पहलवान उत्तर प्रदेश और इन्हीं के सवाल के जवाब में बिहार के शमशेर सिंह में जब कहा तो बहुत ही बेहतर होगा। शमशेर सिंह नीले कलर की जंगल में बैठना बदन मंडला कर करे पहलवान शमशेर केवूर बुहा दोनों पहलवान का इस आयोजन कमेटी की ओर से दोनों पहलवान का स्वागत है। दोनों काफी वजनी पहलवान मैं जैसा कि पहले ही घोषणा कर चुका हूं दोनों पहलवानों के बीच का यह रोमांचक मुकाबला और कुश्ती आर पार की होगी क्योंकि चुनौती से भरा दोनों पहलवान एक दूसरे को चुनौती देकर पहलवानी कुश्ती करने के लिए अखाड़े में है। मैं आग्रह करूंगा दोनों पहलवान से बिल्कुल कुश्ती के अनुशासन का पालन करते हुए आप अपने हुनर अपने कौशल अपने बल जो आपके गुरुओं ने आपको बल संवर्धन के हुनर तरकीब सिखाया उसका प्रयोग करते हुए कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए जोरदार ताली से इन दोनों पहलवानों का हौसला के लिए जोरदार ताली भर दोनों पहलवान काफी ही अच्छे शांतता से कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए सुनील चंदेल उत्तर प्रदेश काफी नामी गामी पहलवान शमशेर कैमूर बिहार बिहार का छोटा सा जिला कैमूर लेकिन पहलवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि वहां के शमशेर दो मिट्टी का शेर वह आक्रमक मीट में दोनों पहलवान बहुत ही रोमांचक मुकाबला बिल्कुल शालीनता से दोनों पहलवान लड़ते हुए अभी मैं बता दूं कि दोनों पहलवान का जो आजमाइश चल रहा है पूरब दिशा से शमशेर फिर पूरब दिशा आ गए सुनील चंदेल उत्तर प्रदेश और बिहार का यह रोमांचक मुकाबला जिसका अभी हम लोग भरपूर आनंद लेंगे ऐसे कुश्ती दंगल दोनों पहलवान एक बार फिर आक्रमक मूड में निर्णय के दौर में सुनील चंदेल पूरब दिशा से और पश्चिम दिशा से शमशेर कैमूर बिहार बहुत ही सुंदर बल लेकिन असफल क्योंकि सुनील जी जो हुए खिलाड़ी कुश्ती के बहुत ही अकलमंद हुनरमंद और अपने गुरुओं के बिल्कुल पक्के चेले के रूप में मैं बता दूं सुनील चंदेल जो पहलवान एक दूसरे